यहां प्रभु ने कहा कि तू आया कैसे? अद्भुत चौपा दोहा जो बोलते हैं ये कथा वार्ता ये क्या है टाइम पास है? नो, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इन्वेस्ट ऑफ टाइम। ये श्रवण है ना बहुत ही बढ़िया है, जब तक आप सुनते नहीं तब तक विचार नहीं आते। दर्शन का ये शुरुआत सुनने से होती है। पहले हम श्रवणामृत जैसी कथा सुनाई, कोई भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या देव के बारे में सुनते नहीं तब तक देखने की इच्छा नहीं होती है। तो यहां विभीषण कहते हैं कि श्रवण सुजसु सुनियाहु प्रभु भंजन भव बीत, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है मगर मैंने आपको सुना है, तो मैं श्रवण सुन के आया हूं और मैंने ऐसा सुना है कि आप प्रभु भंजन भवबीर, आप कष्टों का विनाश करते हैं और त्राही त्राही जो दुखी कष्ट होकर अपने दुख लेकर आपके शरण में आते हैं उनके दुखों का आप हरण करते हैं और आपके शरण की प्राप्ति से सुख की अनुभूति होती है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे इसलिए मैं आ गया। ऐसा कहकर धन्यवाद करते हैं प्रभु, खड़े होकर उठते हैं, उनको उठाते हैं। दीन वचन सुनिए प्रभु मन भावा, दीनता पूर्वक के वचन सुनकर प्रभु को अच्छा लगा, अपने लंबे हाथ उठाकर उनको हृदय से लगाया, अनुज सहित लक्ष्मण के बगल में बिठाया, दिख बैठारी बोले वचन भगत परिहारी, भगत को भय, भगत के भय को हर, भगत के भय का हरण करने वाले भगवान राम बोले कहु लंकेश सहित परिवार, सीधे उसका नाम रख दिया लंकेश। लंकेश तो रावण है मगर यहां प्रभु के चरण में आए तो उसको पदवी दे दी कि आज से तू लंकेश, कहु लंकेश सहित परिवार। बोले वचन भगत परिहारी, कहा गया बोले कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार पास तुम्हारा, हे लंकेश आप किस सकुशल है, आपका परिवार क्षेम कुशल है, मुझे लगता है कुशल कुठार पास तुम्हारा, आपका निवास गलत जगह था ऐसा मुझे लगता है, और खलमंडली के बीच में आप कैसे रहते हो, इस सब राक्षसों के बीच में, और हे राधा सखा धर्म निभाई के ही बात है, और आप धर्म का आचरण इस खलमंडली के बीच में कैसे करते हो, मैं जानना हूं तुम्हारी सबरीति अतिनय पूर्ण भाव अनिति। राम जी कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम्हें अनैतिक पसंद नहीं है मगर अनैतिक लोगों के बीच में आप रह रहे कैसे मैनेज करते हैं। तो विभीषण बोले कि बाप जी ये हरामी लोग के बीच में, बदमाश लोग के बीच में रहने से तो अच्छा है कि नरक में रह जाए, बड़ फल बास नरक करताता दुष्ट संग देने के चिंता। मैं विजाता को प्रार्थना करता हूं कि रावण जैसी जगह पर देना बड़े लंका की हो, इससे तो मुझे नरक अच्छा है। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम किन्हीं जान जनता है, मगर अब मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु मैं आपके चरण में हूं, आपने मुझ पर दया की है और जीव की कुशलता तब तक है तब लगी जीवन कुशल हो, सपने मन विश्राम, उसको विश्राम नहीं मिलता है, उसकी कुशलता तब तक नहीं है जब तक जब लगी भजत राम कहू शोक धाम तजी का। ये पूरा काम का चक्कर है ना, वो छोड़कर जब तक व्यक्ति राम का भजन नहीं करता है तब तक
जीव की कुशलता। और काम का समय कितना है, कितने समय तक काम करना चाहिए, इंडिया वाले 58 में रिकॉर्ड कर देते हैं, इंडिया यहां 65, मगर 65 के बाद हम क्या करते हैं, और काम करते हैं। पहले तो काल बाल जो काला होता है उसको सफेद करते हैं। हमारे एक सज्जन मित्र सूरत से फोन किया, बाबूजी मैं आया हूँ, 1.5 महीना रुकने वाला हूँ, तो बहुत बढ़िया आ जाओ, क्योंकि ना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ, 78 ईयर ओल्ड, 4,900 बाल प्लांट करवाए, ईच 100 रुपीज, यहाँ $1.5 $3 है, वहां कुछ सस्ता है। मैंने पूछा कि ये बाल उगते हैं क्या, तो बोले उगते हैं, तो उगाने के बाद क्या करोगे। मैंने पूछा कि समझो आपके बाल हो गए बड़े बड़े लंबे, मगर बाद में क्या करोगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। विचारू नहीं लघु वही मां पची विद्या पढ़िया, साफ समय का सम्मान करो, समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काव्य अर्जुन लुटियो वही धनुष यही मां। यदि ईश्वर ने आपको अनुकूलता दी है तो परिहर मान मोह मद बजहू कोशलाश, भगवान भक्ति की यदि अनुकूलता है प्रभु ने की है तो गाते रहो गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो गाते रहो। मगर कई लोग ऐसे सुर सजा देते हैं, बसुरा बजाते हैं, सप्तम सुर में नहीं गाया जाता है, फिर जो सुर अच्छा लगता है ना उसमें गाना चाहिए। विभीषण आप खल मंडली के बीच में कैसे रहते हो, अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो, दुष्टों के संग में कैसे करते हो। विभीषण कहते हैं बाप जी संग बहुत खराब है, दुष्ट का संग मिले इससे तो अच्छा है कि मुझे नरक मिल जाए, और जीवन में ध्यान रखना सा मेरी माता ये कहते हैं। हमारे गुजरात की एक कवियत्री भगत हो गई गंगा सती और पांडा, वो सासू बहू थी, और सासू और बहू सत्संग करें हो सकता है नो, इसे कपाल में 3-4 लकीरें गिराने की जरूरत नहीं है, आपके वो नैन खड़े हो गए, सासू बहू सत्संग इम्पोस्ट, मगर गंगा सती और पान भाई उनकी सासू है, गंगा सती बहू है, और पान भाई बताती है बेटा आपको मित्रता करनी है संगत करनी है तो किसकी करेंगे, कि संगत करो तो पान भाई एवा नरनी कर जोरे, जे भजनों मा होए भरपूर जी, जिसका भजन भरपूर हो ऐसे लोगों का संग करना, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए उसको छोड़ो। तब लगी कुशल जीव कहो सपने मन विश्राम, जब लगी भजन न राम कहो शोक थाम चिकार, साहब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा मगर हमारा काम खत्म नहीं होता, बहुत काम किया और शरीर को अच्छा रखने के लिए कीजिए, काम का त्याग नहीं करना है, मगर कमर वक्त
मोह छोड़ देना चाहिए, ममता छोड़ देनी चाहिए, देश काल के अनुसार ममत्व को छोड़कर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और हृदय में ये खल कब तक रहते मालूम है, काम क्रोध लोभ मोह मच्छर तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद नाना, लोभ मोह मच्छर बाद माया ईर्ष्या मारू तारू गए जय कुल थी एक दूसरे की चुगली, ये कब तक रहते मालूम है, जब तक हृदय में राम नहीं होते तब तक ये सब कचरा पड़ता है। राम का स्वभाव है जैसे वो आते हैं ये सब कचरा निकल जाता है। जब अल्लाह की उड़न करना, जब लगी उड़न बसंत रघुनाथ था, जब तक उड़ में हृदय में राम नहीं बिराजते हैं तब तक ये धरे चाप सायक कटिभाता, ये मत ये खल भागते नहीं। ममता तरुण तभी अंधियारे रात द्वेष उलुख सुखदारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। इस प्रकार के अलग खल पतंग के तब तक निवास करते जब तक रघुवीर राम का रवि स्वरूप राम सूर्य स्वरूप राम का उदय हमारे हृदय में नहीं होता है, तब तक ये सब पंखी ये सब कीट पतंगे काम क्रोध लोभ के विराजते हैं। अब मैं कुशल बीते भई मोरे विषण के था कि अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देख राम पद कमल तुम्हारे, मैं अभी प्रभु राम के सम्मुख हूं और प्रभु तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिपित भवशूला, ए प्रभु तू जिसके ऊपर अनुकूल होता है उनको त्रिवित शूल नहीं लगते, शूल अर्थात कष्ट दुख, और त्रिवित शूल क्या है, तीन दुख क्या है हमारे आधि व्याधि ने ओके व्हाट इज आधि मालूम है आदि व्याधि उपाधि और व्हाट इज आदि डोंट नो फ्रॉम व्हाट इज व्याधि नो व्हाट इज उपाधि चलो इतना हम जी थोड़ा आदि व्याधि उपाधि करते, आदि अर्थात वस्तु की अनुपस्थिति में जो कष्ट होता है जो दुख होता है उसको कहते हैं आदि, लिख लीजिए वस्तु की अनुपस्थिति। आपके पास मर्सिडीज है, 10 प्रॉपर्टीज है, अच्छा सा कलश जैसा कार है, इंडिया में भी काफी है, निरोगी काया है, कल्याणकारी परिवार है, आपके बातों का आपके शब्दों के ऊपर ध्यान देने वाले, मगर आप सोचते हैं कि उनके पास तो रोल्स रॉयस है और मेरे पास नहीं है, और नहीं होने का जो दुख होता है, मेरे दो बच्चे हैं उनके पांच हैं, या तो उनके पास बड़ा टीवी है मेरे पास छोटा है, या तो उनकी जेब में 10 क्रेडिट कार्ड होते हैं मेरे पास एक ही है मगर कुछ भी क्रेडिट नहीं, हम कंपेयर करके हमारे पास नहीं है इस चीज का दुख अपने मन में लाते हैं उसको कहते हैं आदि। फिर दूसरा व्याधि, व्याधि अर्थात शरीर में जो रोग होता है
पीड़ा, रोग की पीड़ा को कहते हैं व्याधि। अबे उपाधि तो बता नहीं चाहिए, उपाधि इतने मुख्य हो जो, अरे वो उपाधि से जवाब दे, उपाधि तो तो नहीं ने उपभोग करो, ये तो आपने तो हमारे देने उपभोग करिए। हाँ, वस्तु की अनुपस्थिति, वस्तु की गैरहाजरी जे एना थी जे दुख था एने कहवाय आदि, अने वस्तु की हाजरी थी जे दुख था एने कहवाय उपाधि। बच्चा बड़ा हो जाता है 25 साल का तो सासुर को आदि होती है, क्यों कि मेरे घर में बहू नहीं है, और बहु नहीं है उसका जो दुख है उसको कहते हैं आदि। सिर्फ बहु के हाथ का खाती है और उसको जो तकलीफ होती है उसको